फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई शाम का टाइम हो गया, 7 बज गए यार, और आज लेट हो गया मैं और वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे को जल्दी आ गया था मैं, लेकिन उसके बाद भी लेट हो गया यार। तो भाई आज की जो मेरी वीडियो है ये रहेगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है मेरी और हालत हो गई है खस्ता, तो संडे वाले दिन ये भी काम फिनिश होएगा। एक लड़के का कमेंट आता था मेरे को हर वीडियो में, सूरज पमवार करके, तो भाई आपके लिए, तो भाई मैं हर वीडियो पे आपका कमेंट भी देख रहा था और आपको रिप्लाई भी करता था। तो आप मुझे बोल रहे थे कि भाई के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताओ, राइट, के ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस बारे में, राइट। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों से चीज़ें बताता हूँ, अगर जो आपके पास में, आप किसी भी कंट्री में जाते हो, मोस्टली अगर जो आप दुबई में आते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब ईजी से मिल जाती है। और ड्राइविंग लाइसेंस का काम, ड्राइविंग का काम बड़ा आसान होता है, मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्टी बताते हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान होता है अपेक्षा, अगर जो आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो, जब भी आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो। और दुबई में क्या है, अगर जो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो बहुत सारी जैसे इंजीनियर्स की या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे अकाउंटेंट, तो उसमें रेफ़र करते हैं हमें लोग कि भाई विद ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में हर एक बंदा मोस्टली, मेरे अकॉर्डिंग अगर जो मैं परसेंटेज में दूँ तो 60-65% हर बंदे पे ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि आप बोल रहे थे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस का, ट्रक का, तो यार मेरा जो प्लान है ना, मैं आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, जब रूल होर थे, अभी रूल चेंज हो जाते हैं, मतलब आपको पता ही है आसान होते हैं, कुछ रूल चेंज करती है गवर्नमेंट, तो उसी के हिसाब से मतलब मैं सोच रहा था, बड़ी बड़ी हो गई यार, कि आपके लिए ड्राइविंग स्कूल मेरे पास में है, लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए गाड़ी का भी, बाइक का भी और आपके लिए ट्रक का भी, ठीक है ना। तो तीनों वीडियो को मैं कवर करूँगा, कितना उसमें पैसा लग रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि मैंने बनवाया था 2018 में, राइट। तो 2018-2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और तो इसलिए मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं वीडियो बना सकता हूँ अभी, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें उधर से दिखा के, भाई ये देखो पेपर इसका, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सही है ना। मैं होर की तरह नहीं कि भाई गाड़ी में बैठ के या किधर पे बैठ के आप लोगों को बस बता दिया, तो वो मेरा प्लान है कि अभी का जो कितने पैसे लेते हैं वे लोग, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एनओसी की, जो तो इस संडे पे या नेक्स्ट संडे पे मैं वीडियो को बना दूंगा। और मैं तीन ड्राइविंग स्कूल में जाऊँगा, एक में नहीं जाऊँगा, मैं एमरेट्स ड्राइविंग स्कूल में जाऊँगा, दुबई ड्राइविंग स्कूल में जाऊँगा, और एक तीसरा, मतलब या तो मैं गलाधारी में जाऊँगा या किसी, मतलब तीन स्कूल को मैं एक ही दिन में कवर करूँगा, राइट। तो ये मेरा प्लान है आप लोगों तक, मैं आपका हर वीडियो देख रहा हूँ, हर कमेंट देख रहा हूँ, आप हर वीडियो में कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू यार, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, कहाँ से उठा के मेरे को कहाँ लेके आ गए, हमारा चैनल 71,000 पे हो गया। लाइसेंस की जॉब बड़ी आसान होती है, तो जितने भी बंदे, मुझे भी जो जॉब मिली है, मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस पे जॉब मिली है अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, राइट। तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल होता है दुबई में बनाना, लेकिन एक बार बन जाता है तो लाइफ सेट हो जाती है, राइट। मतलब अगर जो मिनिमम आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवा लिया, तो आप इंडिया का 40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, मतलब इससे कम नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो भाई मेरे हिसाब से इससे आसान तो कोई काम होता नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो कम पढ़े लिखे बंदे हैं या कुछ भी जिसको ड्राइविंग का शौक है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो यार, तो जॉब मिल जाती है, सही है ना। इधर पर इतनी सारी कंपनीज है ना, गवर्नमेंटेड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, भाई स्कूल में जा सकते हो, बस का बनवा लो, बस में इतनी सारी वैकेंसी रहती है ना हमेशा। तो जितने बंदे मुझे इंडिया से देखते हैं, दुबई में मोस्टली एक बंदा मेरे को बोल रहा था, इधर पे क्या है, देखो हमारी साइड के बंदे, मैं अपनी साइड का पहला बंदा हूँ जिसने दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, हमारी साइड के बहुत सारे बंदे आए लेकिन कोई नहीं बनवाते, राइट। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ यार, मैं आप लोगों को गाइड करूँ और आप लोगों से छोटी छोटी बातें सब शेयर करूँ, जिससे हमारे साइड के बंदे भी अपने आप में, दुबई में के बंदे 10-10 साल हो जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन में काम करते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बाद में फाइनली वो लोग मूव हो जाते हैं 2-3-4 साल के बाद, क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता है। एग्जांपल अगर जो मेरे को या किसी को भी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसको अगर जो 80,000 या 1,00,000 या 60,000 या 50,000 की जॉब है ना, और उसको किसी कारण से वो जॉब छूट जाती है, तो उसको दूसरी जॉब मिल जाती है, चाहे वो 40,000 की मिले चाहे 60,000 की, मतलब जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसके लिए दुबई में या किसी भी कंट्री में जॉब गेट करना वो आसान हो जाता है, राइट। जितने भी मेरे फ्रेंड हैं दुबई में, मैं हमेशा उनको रेफ़र करता हूँ, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई जिनको ड्राइविंग अच्छी लगती है, सही है ना, जिनको नहीं अच्छी लगती तो कोई मसला ही नहीं है भाई, राइट। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको ड्राइविंग अच्छा लगता है,
ठीक है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई किसी का भाई आता है या किसी का भी, दुबई में आप लोगों ने देखा होगा ना, चाहे किसी ने मास्टर किया हो, चाहे सबसे पहले आकर दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस इधर पे यार मैं बताऊँ ना कि जैसे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लगना है ना तो उसके इक्वल है। अब ये देख लो यार, आप किसी भी बंदे को पूछो दुबई में, भाई ड्राइविंग लाइसेंस है तेरे पास में, और वो बंदा बोलता है भाई मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जब आप दुबई में विजिट करोगे ना कभी लाइफ में अगर जो आओगे, तो ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं रिच फैमिली की बात। लाइसेंस की वीडियो आ रही है, ठीक है, और बुर्ज खलीफा की आने वाली है, कल आ जाएगी बुर्ज खलीफा की वीडियो। तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया यार बुर्ज खलीफा की वीडियो, एडिटिंग मिलेगी आपको उसमें, मतलब कुछ मैंने अपडेट किया है उसमें, थोड़ा टाइम दिया है। तो मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया है, तो वो भी मेरे को ख़रीदना पड़ेगा दूसरा, क्योंकि अभी आप लोगों ने इतना प्यार किया तो आपको भी मेरा हक बनता है कि मतलब कि मैं टाइम दूँ आप लोगों को, यूट्यूब फैमिली को, और नई नई एक एडिटिंग करके मैं वीडियोज़ डालूँ। तो सबसे पहले थैंक यू। और भाई बहुत सारे बंदे, चल वो ट्रैवल वाला मैं कुछ मतलब कुछ आप लोगों के लिए कुछ प्लान चल रहा है मेरा, ठीक है ना, मतलब प्लान ऐसा चल रहा है कि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ, वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस, जितने बंदे मुझे दुबई में देखते हैं, तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आपके लगते हैं यार, अगर जो आप फिक्स प्राइस करते हो ना, मतलब आई थिंक आपके 1,80,000-2,00,000 तक लग जाते हैं अगर जब गाड़ी का लाइसेंस बनाते हैं, तो वो लाइफ में एक ही बार लगने हैं। तो बना लिया करो यार, अगर जो बना लेते हैं ना तो उसके बाद ईजी हो जाता है आपको, अगर जो आप किसी और कंट्री में होते तो आपको जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस की जो भी वीडियो आएगी ना नई, तो भाई सूरज पंवार भाई सबसे पहले थैंक यू अगेन कि आपका जो वो है ना, वो मैं ट्रक का आप बोल रहे, तो मैं स्कूल में जाऊँगा और सारे चीज़ें कवर करूँगा मैं, राइट। तो मैं सोच रहा था कि यार सबसे अलग करूं, जितने यूट्यूबर बनाते हैं वो बैठ के बनाते हैं, मैंने भी जो पहले वीडियोस बनाई वो ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ अलग करूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को रियलिटी दिखाऊं, सही है ना। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ऐसा नहीं करो, सही है ना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसा नहीं करो। अगर जो आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपको बोले ना कि ये काम करो, तो आप सबसे पहले वो काम करोगे, मतलब चाहे आपकी किडनी बिक जाए लेकिन वो काम करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई, टेक केयर, बाय बाय।